फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे ही एक और पॉइंट में लिखता हूं थर्ड यहां पर है हमारा 1.7 1.7 फर्स्ट क्वाड्रेंट सर फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 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 कहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोरिक में लिख दिया मैंने -6.4 क्वाड्रेंट सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट -6.4 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में बहुत सुंदर मैंने किसी को म्यूट नहीं किया अपने को म्यूट करके जवाब देना है बच्चों तो ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में इसके बाद जो है फिफ्थ है -4.-3 थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट हाँ ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट बिल्कुल बिल्कुल तो ये देखो पहले सुन लो ध्यान से बच्चों दोनों निगेटिव है ये हमारा पड़ेगा थर्ड में पहला पॉजिटिव निगेटिव है फोर्थ में दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट में निगेटिव पॉजिटिव है निगेटिव पॉजिटिव आपका हो गया सेकेंड और -4 दोनों निगेटिव है दैट इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट तो हमने जो है इस तरह के क्वेश्चंस का जो है एक रखा है अब इसके बाद बच्चों ध्यान सुनना अभी सभी हैंड्स डाउन कर लें सभी हैंड्स डाउन कर लें जब मैं फिर कहूंगा क्वेश्चन तो आप जो है देखिए लिखा है कि एक पॉइंट दिया गया है ठीक है इस पॉइंट का मतलब जो है लिखा है हमारे पास जो वैल्यू दी गई है एक क्वेश्चन है यहाँ पर -6 नंबर है द क्वेश्चन इज -6 का ये वैल्यू हमारे पास -4 -3 और इसमें ऑप्शन दिया गया है x इक्वल टू -4 y इक्वल टू -3 x की वैल्यू हमारे पास -3 और y की वैल्यू -4 दी गई है x इक्वल टू 4 और y की वैल्यू हमारी 3 दी गई है और फोर्थ है हमारे पास जो है ऑप्शन नन ऑफ दीज अब बच्चों यहां पर देखिए आपके सामने जब कोई भी पॉइंट आपका दिया गया होता है इसमें अंश यादव कुछ बोलना चाह रहे हैं अंश बोलिए बेटा क्वेश्चन उठा ही था सॉरी सर वो पहले से उठा था पहले से था चलिए तो ये हमारे पास जो है वैभव नारायण बोलिए सर फर्स्ट वाला होगा अर्व कुमार बोलिए सर फर्स्ट फर्स्ट कहा इन्होंने बहुत सुंदर वरुण जोशी बोलिए सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा सर क्वाड्रेंट बहुत सुंदर एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बेटा फर्स्ट ऑप्शन ये हमारे पास जो है क्षितिज का शोधन सर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ओके ये अपूर्व महेश्वरी सर फर्स्ट फर्स्ट ओके अंश यादव अक्षत सिंह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बेटा तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि जो पहला नंबर होता है इसे हम एक्स बोलते हैं और इसे y तो x की वैल्यू हमारी -4 दी गई है y की वैल्यू -3 दी गई है तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा तो ये छोटी छोटी चीजें जो है उनको भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा तो अब इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिखा है कि 0.4। अब ध्यान सुनना बच्चों, हियर 0.4, ये हमारे पास एक पॉइंट दिया गया, दिस इज द पॉइंट, एंड ये जो है लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कौन बताएगा इसमें? वैभव नारायण बोलिए सर। फर्स्ट एक्सिस सर, सॉरी सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्होंने कहा। पर्व कुमार बोलिए सर, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा सर, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इन्होंने पर्व ने कहा एक्स एक्सिस। क्षितिज का शोधन बोलिए सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन्होंने कहा, 0.4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता रहे हैं। इसके बाद अंश यादव बोलिए सर, एक्स एक्सिस, 0 एक्स एक्सिस पर रहेगा और वाई 4 एक्सिस पर रहेगा। अब इसमें जो है अक्षत सिंह, अक्षत सिंह बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्होंने बोला। ये पार्थ ओली बोलिए सर, वाई एक्सिस में लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वैभव नारायण सर, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। देखिए बेटा, जिन लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला वो गलत है, जिन लोगों ने एक्स एक्सिस बोला वे भी गलत है, और जिन लोगों ने वाई एक्सिस कहा वे सब सही है। ये बेटा वाई एक्सिस पर पड़ेगा, लाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ये सभी स्टूडेंट से होती है। तो ये जो है हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं ये सब मैं रिवाइज करा चुका हूँ, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर इसको समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही एट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5.0 लाई ऑन, ये जो है 5.0 कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वैभव एक्स एक्सिस का। पर्व कुमार सर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, बहुत सुंदर। क्षितिज का शोधन सर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अंश यादव सर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अक्षत सिंह एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। पार्थ ओली एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ध्रुव सर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। युवान सर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अंगद चौधरी सर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसके बाद निखिल पब्ले सर, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और सर अथर्व अग्रवाल सर, एक्स एक्सिस, बहुत सुंदर बेटा। तो हमारे आज जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। आपने सही कहा, जब एक्स एक्सिस यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर एक्स जीरो था, तो यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो वैल्यू जो दिया गया है एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉइंट दिया गया हो जहां पर वाई की वैल्यू जीरो है तो वो एक्स एक्सिस पर पड़ेगा, जहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है वो हमारा वाई एक्सिस पर पड़ेगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है, और फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा गया है कि ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट, हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर है लिखा है, एक क्वाड्रेंट है 0.0, ध्यान से सुनना बच्चों, फिर है 0.2, फिर इसके बाद दिया गया है 2.2, और तीसरा दिया गया है 2.0। ये जो है हमारे पास चार पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, और लिखा है इसमें कि ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0.0, 0.2, 2.0, 2.0 ये भी ऑप्टेंड स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस और पैरेललोग्राम, इसमें अपनी अपनी ओपिनियन देनी है, मैं सबको बोलूंगा। बोलिए बेटा वैभव नारायण, ये क्या बोल रहा है इससे सर, ये जो है चार पॉइंट से मिलकर कौन सा पॉइंट बनेगा, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या पैरेललोग्राम? सर स्क्वायर बनेगा, आपने स्क्वायर कहा। चलिए पर्व कुमार
स्क्वायर स्क्वायर अभी आप सोच रहे हो अक्सर से स्क्वायर स्क्वायर अच्छा सीन है आप कार खोली स्क्वायर सर अंदर चौधरी स्क्वायर स्क्वायर युवाम सिंह सर स्क्वायर स्क्वायर जय बाराकोटी सर स्क्वायर ही बनेगा स्क्वायर बनेगा तो इसमें जो है चलिए वरुण जोशी सर स्क्वायर बनेगा सर स्क्वायर बनेगा देखो बच्चों अगर हमें इसको पहचानना है तो सबसे पहला काम बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं है आप चाहो तो एक क्वाड्रेंट एक्सिस बना लेते हैं इवन इसको आप देखिए छोटा सा रफ पर कर लेते हैं ये वन है टू है थ्री वन टू थ्री पहला है जीरो कॉमा जीरो ये पॉइंट है जीरो कॉमा टू तो जीरो कॉमा टू हमारे पास ये पॉइंट है टू कॉमा टू तो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट है और टू कॉमा जीरो ये पॉइंट है तो ये हमारे पास बिल्कुल जो है देख रहे हैं यहाँ भी टू है ये भी टू है ये भी टू है ये भी टू है ये हमेशा क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा तो ये जो है पहचान होती है बच्चों हैंड्स डाउन कर ले आप जो है इसे देख करके आप तुरंत जो है इसे बता सकते हैं कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है तो सबसे सुटेबल आंसर होगा इसका स्क्वायर ठीक है अब इसके बाद जो है मैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मैं ले चल रहा हूं अब ध्यान से देखना बेटा इसमें कि लिखा गया है कि यहां पर एक ऑप्शन दिया है साइन ऑफ अवशीषा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अवशीषा और ऑर्डिनेट के साइन क्या होते हैं ये हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन दिए गए हैं आप ऐसे केवल आप साइन बताएंगे ठीक है यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है इसमें निखिल पपने को मैं मौका देता हूँ निखिल पपने बताएं सर फर्स्ट सर प्लस के साइन होंगे पॉजिटिव साइन किसके अवशीषा का कितना होगा सर अवशीषा का भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट का सर उसका भी पॉजिटिव साइन होगा ओके निखिल पपने ने दोनों पॉजिटिव कहा परो कुमार बताएं आप परव कुमार बोलिए सर पॉजिटिव साइन होगा दोनों के पॉजिटिव साइन होंगे ओके क्षितिज का शोधन बताएं सर दोनों के सर पॉजिटिव साइन होंगे सर ध्रुव भैया बताएं ध्रुव सर मैं बताऊं हाँ बोलिए साइन सर पॉजिटिव भी होंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी आपका पॉजिटिव होता है वाई भी आपका पॉजिटिव होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स एक्सिस को अवशीषा बोला जाता है वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है मैं आपको इंडिकेट करके इस तरह से मैंने आपको बता दिया चलिए तो अब जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास अवशीषा एंड ऑर्डिनेट का साइन क्या होगा कौन बताएगा माइनस सर अभी बोलना नहीं बेटा इससे बोलूं केवल वही बताए मुझे लगेगा जिनसे डाउट लग रहा है अंश यादव बोले सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर सेकेंड क्वाड्रेंट में अवशीषा और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे माइनस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस दोनों माइनस होंगे यस सर ये तो गड़बड़ है वैभव नारायण सर मैं बताऊं वैभव नारायण सर अवशीषा माइनस होगा और ऑर्डिनेट प्लस होगा अवशीषा माइनस होगा ऑर्डिनेट प्लस होगा पार्थ होली मैं बताऊं सर दो सब सीधा माइनस होगा वो प्लस में होगा अच्छा ये अथर्व अग्रवाल कुछ उन्होंने दोनों हाथ से जो है वो ये वाला सिंबल कर रहे हैं उस तरीके से अब बताएं अथर्व जी सर अब सीधा माइनस होगा और ऑर्डिनेट से प्लस होगा अब सीधा माइनस होगा ऑर्डिनेट प्लस होगा चलिए ठीक है इन्होंने सही बताया अब सीधा जो है माइनस होगा ऑर्डिनेट प्लस होगा और एक लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वाड्रेंट में अवशीषा और ऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस और माइनस अक्षर सर प्लस माइनस बोलेंगे सर माइनस ऑर्डिनेट प्लस और माइनस प्लस माइनस कौन सा माइनस होगा सर अवशीषा प्लस होगा ऑर्डिनेट माइनस होगा प्लस होगा ऑर्डिनेट माइनस होगा वरुण जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं
सर फोर्थ क्वाड्रेंट में सर अब सीसा सर पॉजिटिव होगा और सर ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। बहुत सुंदर, चलिए ठीक है। तो ये तो भैया लोगों ने जो है इसके बारे में यानी अब सीसा और ऑर्डिनेट को पहचानना भी सबको लगभग लगभग आ गया। अब एक और आपको प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि -1.0, ध्यान देना बच्चों, -1.0 ये हमारे पास जो है ये कहां पर लाई करेगा सर? अभी बोलना नहीं बच्चों, अभी एक सेकेंड, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। -1.0 लाई इन द फर्स्ट है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सेकेंड है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, थर्ड है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ है फोर्थ क्वाड्रेंट में। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सर, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स सर, क्योंकि सर क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है सर, लेफ्ट सर नेगेटिव हो जाता है। ओके ओके, अभी इस समय जरा 50 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, 50 बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं और इसमें अभी सब ये हैंड्स डाउन कर लें, ठीक है बच्चों। अभी मैं ऐसे ही क्वेश्चन जो है क्योंकि आपको ये केवल मेमोरी में आ जाए, जो आप चीजें जानते हो पढ़ चुके हो आपको ध्यान में आ जाए और टेस्ट हो तो आप आसानी से इसे जो है सॉल्व कर सको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अबसीसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अबसीसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें जो है बोला गया ऑप्शन है 0, 1, -1 या एनी नंबर, ये आपको जो है बताना है। जिनको जिनको आ रहा है हैंड रेज करें, उसमें से किन्हीं तीन भैयाओं से पूछूंगा फिर आंसर बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं लग रहा है। बोलिए बेटा कौन बोलना चाह रहे हैं इसमें? तो इसमें मैं निखिल पपने को मौका देता हूं। निखिल पपने सर एनी नंबर, एनी नंबर इन्होंने कहा। एक और इसको कंफर्म कर लेते हैं, नवराज शर्मा आस्क योर क्वेश्चन, बोलो बेटा नवराज शर्मा सर एनी नंबर, एनी नंबर। और इसमें तनिष्क लास्ट एनी नंबर, एनी नंबर, यानी कि अगर हमारा अब सीसा है और एक्स एक्सिस पर है पूछा जा रहा है तो एक्सिसा एक्स एक्सिस पर कोई भी नंबर हो सकता है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन है 0, 1, -1 एनी नंबर। वरुण जोशी सर 0 होगी सर, 0 वरुण जोशी ने कहा 0। एक और मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं, पार्थ ओली भैया बताएं सर 0 ही होगी, 0 इन्होंने कहा 0। और एक लास्ट में एक और भैया से पूछ लेता हूं इसमें, चलिए जय बारा कोटी कंफर्म कर दे, जय बारा कोटी। यस सर, हम उस समय से आपने मिस कर रखा था हमें सर, 0 है x एक्सिस पर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी सर? 0 होगी, 0 होगी, बहुत सुंदर, यानी तीन भैयाओं ने कंफर्म कर दिया इसका ऑप्शन जो है 0 करेक्ट हो गया। एक्स एक्सिस पर हमारे पास ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर निगेटिव विल लाई इन, ऐसा कोऑर्डिनेट जिसके दोनों पॉइंट जो है बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर निगेटिव, दोनों निगेटिव है, ये किस क्वाड्रेंट में होंगे? ये दोनों निगेटिव हमारे पास जो है अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर निगेटिव विल लाई इन, कौन बताएगा इसमें? वरुण जोशी भैया बोलिए, थर्ड क्वाड्रेंट सर, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे सर, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर निगेटिव विल लाई इन। अब ये भैया से पूछता हूं, ये मनन गंगवार थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और एक और भैया से मैं इसमें कुछ कंफर्म कर लेता हूँ, तनिष्क भैया बोलिए, तनिष्क थर्ड क्वाड्रेंट सर, थर्ड क्वाड्रेंट, और युवांग सिंह थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, बहुत सुंदर बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से एमसीक्यू हमारे जो है क्वेश्चन है
अब आपको थोड़ा सा मुझे ये बताना है बच्चों कि एक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। पहला पॉइंट है 1.0, यहां पर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहां है 1-1, 1-1 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2-2, 2-2 तीसरा पॉइंट है 4-5 और चौथा पॉइंट है -3-4 और अगला है हमारे पास लाई इन। पहला ऑप्शन दिया गया है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सारे पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है सारे पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सारे पॉइंट हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे और चौथा ऑप्शन दिया गया है डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। कौन सा ऑप्शन सही है सर? डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। चलिए आप तो मैं एक बारी बारी से लास्ट वाला नहीं होगा सर, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट होगा सर क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ। अक्षत सिंह बताएं बेटा। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। अच्छा ये बिल्कुल सेम क्वाड्रेंट में, कोई रीजन बताएगा बेटा? डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। यस सर, क्योंकि सर लास्ट वाला है सर फोर्थ, सर वो क्या कहते हैं सर, वो लास्ट वाला अलग क्वाड्रेंट। यस सर, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी सारे एक ही क्वाड्रेंट में। यस सर, शुरू के जो तीन पॉइंट है पॉजिटिव निगेटिव सेम है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो दोनों निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट के है, सेम क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेंगे सर। अगर फोर्थ का सर थ्री अगर पॉजिटिव होता तो सर तब हो जाते सर एक एक क्वाड्रेंट में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। एक हमारा पॉइंट दिया गया है 3.4, 12 नंबर ध्यान सुनना बच्चों, 3.4 पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम बोलना नहीं है, फ्रॉम वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या होगी। 3.4 दिया है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिनको कहूंगा ये जो है निरंजन दुबे सर, ऑप्शन कौन सा सर इसके? निरंजन दुबे आपको ये बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 3.4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। ऑप्शन है 3, 4, 5, 7 बोलिए सर। निरंजन सर वाई एक्सिस से है इसमें। हर्षित वर्मा, हर्षित वर्मा बताए 5। हर्षित वर्मा आप सुन पा रहे मुझे? ये 4 भी है। बताऊं सर? वरुण जोशी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए वरुण जोशी। सर मैं बताता हूँ सर, 3 होगी सर, इन्होंने कहा 3। चलिए कंफर्म कर लेते हैं। और अक्षत सिंह, अक्षत सिंह बताएं 3। वैभव नारायण बताएं सर 3 होगा, 3 इन्होंने कहा। निखिल पपने बताएं 3 तो बन रहे सर, 3 होगा 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पहले तो इस पॉइंट को आप सिंपली आप जो है ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक्सिस है ना, ये एक्स है, एक्स प्लस है, वाई है, वाई है, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 3.4, 1, 2, 3, 4 है 1, 2, 3, 4, ये हमने जो है ये हमारा पॉइंट। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये वाई एक्सिस से ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें 3, तो 3 आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब कोई कहीं फंसते हैं तो उसे आप एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए और ड्रॉ करने के बाद आप इसे बताएंगे तो आसानी से इजी वे में जो है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? सर अगर सर अगर यस सर अगर एक्स एक्सिस से पूछी होती तो सर तब 4 होती ना सर फिर। अब एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता तो इसकी वैल्यू 4 होती।
ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान से आप देखेंगे। अगला हमारे पास दिया गया है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, कौन बताएगा? बताता हूँ आप बिल्कुल सही है बेटा। अब इसके बाद एक अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो सभी लोग बच्चों, हैंड्स डाउन कर लें और फिर आप जो है दोबारा रेज करोगे तब आपका मामला बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि यहां लिखा है कि द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस मीट इज कॉल्ड, जहां पे दोनों एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सर, कोऑर्डिनेट। इन्होंने कोऑर्डिनेट कहा, और कौन? जय बारा कोटी बोलिए सर। कोऑर्डिनेट कहते हैं जहां पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट कहते हैं। निखिल पपने बताएं सर, कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। अंश यादव बताएं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। अपूर्व महेश्वरी बताएं सर, कोऑर्डिनेट नहीं कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। बहुत सुंदर बेटा, तो आप लोगों को कहां गलती हुई आप लोगों से? आपने समझाया बेटा, जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है, मैंने सर ओरिजिन बोला है, दिस इज 0, 0, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं बच्चों। तो आप लोग जो है छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बहुत देखिए एमसीक्यू में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एमसीक्यू में बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है बिल्कुल छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका आपको केवल एक टिक लगाने से आपके पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं, और अगर वो गलत हो जाता है तो आप जो है तो आपका नंबर उसमें नहीं मिलता। तो अगला मैं आपको एक चीज और देखता हूँ बच्चों, आप ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ हमारे पास जो है कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन देना है आपको। पहला पॉइंट है हमारे पास है 2, 3, ध्यान से देखो, -2, 3। अगला है -2, -3, और इसके बाद है -2, -3, 2, -3। ये जो है हमारे पास चार पॉइंट है, फोर पॉइंट, दिस इज दी कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। आपको बताना है कि ये जो है क्या है, ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, और तो आपको बताना है। तभी हैंड रेज करें, जिनको मालूम है कंफर्म हो वही अपना हैंड रेज रखेंगे, उनसे पूछूंगा मैं। तो ध्रुव भैया बताएं, ध्रुव ये चार पॉइंट जो है कौन से हैं? सर बताएं सर, ध्रुव भैया बोलिए, ध्रुव। 3 से -2 वैभव ने सर ऑप्शन रिपीट कर दीजिए सर, कौन कौन से रेक्टेंगल होगा? रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल है माइनस सर। ओके, वैभव भैया ने कहा रेक्टेंगल है। चलिए अथर्व, यस सर, यस तो सर रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल है सर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। जय बाराकोटी सर, रेक्टेंगल बन रहा है। वरुण जोशी सर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। निखिल पपने आपको कैसे मालूम था कि ये रेक्टेंगल है बेटा? सर हमने बना सर बना के देखा, बिल्कुल आपने जो है अपने कॉपी पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करके देखा होगा ये क्या है, तो ये रेक्टेंगल है, आपको ये मालूम चल गया हो। क्लियर हुआ बच्चा? तो अब देखिए ये सभी हमारे पास जो है, तो अब ध्यान से एक चीज देखो बच्चों, ये आपका रेक्टेंगल तो हो गया। अब इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, एक आपके सामने में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, लिखा है कि द गिवन फिगर ऑन द साइड रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। अब मैं एक फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है, और इस फिगर के बेस पर आप सभी को बोलना किसी को नहीं है, अभी फिगर आप देखिए। तो जिन स्टूडेंट्स के ये हमारे पास
यहाँ पर एक फिगर है और इसमें दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई, वाई एक्सिस दिस इज एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश एंड हियर इज द 1 2 3 1 2 3 एंड हियर 1 2 3 1 2 3 द फर्स्ट इज द पॉइंट, हियर द वैल्यू इज पॉइंट P. This point is P and another point is Q. This point is Q. तो आपको जो है ये बताना है कि P और Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा. What is the coordinate of point P and Q? बारी बारी पहले अपने हैंड रेस कर ले. मुझे लगेगा कि जिनसे जो नहीं बता पाएंगे उन्हीं से मैं पूछूंगा. कुछ स्टूडेंट्स तो हमें मालूम है कि बता देंगे, उनको समझ में आ गया है. पर देखिए अभी इसमें क्वेश्चन में बहुत कम हैंड रेज हुए हैं. क्षितिज का शोधन, क्षितिज का शोधन बताएं बेटा. सर पी पॉइंट का होगा सर -2, 3 ओके. और सर क्यू का होगा सर 1, 1, -3 चलिए इन्होंने बताया है. ये जो है अब इसके बाद पार्थ होली के पास में जाता हूँ, उनको कंफर्म कर लेता हूँ कि इन्होंने सही बताया. पार्थ होली भैया बताए. पार्थ होली सर. हाँ बोलिए सर. सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो, मैं एक बार पी और क्यू का कोऑर्डिनेट बताना है जो मैंने फिगर बोर्ड पे बनाया हुआ है. पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर. पार्थोली सर टू, इधर टू हो जाएगा -2 और इधर भी -2. मेरा आपने क्वेश्चन नहीं सुना इसका. मैं का कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ और क्यू का कोऑर्डिनेट, दोनों का कोऑर्डिनेट आपको बताना है. अरे सॉरी 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 सर, -2, -3 कैसे पी वाले का -3 क्यों बोला आपने? क्योंकि वो हमारे उस साइड है ना. पी का होगा सर -2, -2, 3 और क्यू का होगा -3 और -2. -3 कैसे पहले हो गया, ये भी गलत है. -2, -2, 3 होगा. -2, 3 पहला रीजन बताएं सर. का कोऑर्डिनेट बताइए क्यू का. क्यू का -2, -1 सर रीजन बताएं. -1 कहाँ होगा बेटा अभी. हाँ वरुण जोशी बताएं. वरुण जोशी बहुत देर से बोल रहे हैं. सर पी का तो हो जाएगा सर -2, 3 और सर क्यू का हो जाएगा 1, -3 1, -3 तो भैया ये जो है आसानी से पहले देखिए कि एक्सिस जब देख रहे हैं पहले एक्स एक्सिस देखते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है. तो अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव के साथ बोलिए, अगर निगेटिव साइड में है तो निगेटिव के साथ बोलिए. तो पी का कोऑर्डिनेट होगा -2, 3 और क्यू का कोऑर्डिनेट होगा 1, -3. तो जिन लोगों ने ये बोला है उनके आंसर ये सही होंगे और जिन लोगों ने ये नहीं बोला. अभी ये भैया एक हमारे वैभव नारायण कुछ बोलना चाह रहे हैं. आज वैभव नारायण आज जरा प्रसन्न है. सर आप क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं सर, कोऑर्डिनेट थोड़े पूछ रहे हैं सर. क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सुनिए बेटा, एक चीज क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है बेटा. क्वाड्रेंट तो आपका एक जो है सेकेंड होगा, एक फोर्थ होगा. यस सर. क्वाड्रेंट की बात